ये देश को गांव बचाएगा, खास पंचायत बचाएगी। ये आंदोलन जारी रहेगा। पहला आंदोलन 23 तारीख से होगा, यहाँ के मीटर जमा होंगे, गिराव एसएसपी का होगा, ट्रैक्टर वापसी नहीं आना, जाने की घोषणा हुई है, वापसी आने की घोषणा मुजफ्फरनगर से नहीं होगी। पहले भी राजा महाराजा होते थे, उनके भी बच्चे शहीद होते थे, बहुत सम्मान इस किसान शहीद भी टिकैत परिवार की होगी। ये सरकार कान खोल कर सुन रहे, दरवाजे तोड़े जाएंगे, अगर दरवाजा बंद होगा तो ट्रैक्टर से दरवाजा एसएसपी का टूटेगा, ये ध्यान करके और कान खोल कर सुन ले। हमारा पासपोर्ट पिछले 4 साल से बंद है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन यह है कि हम बाहर ना जाएं, पासपोर्ट बंद। एक अधिकारियों ने एक साजिश के तहत सबने ये शिकंजा कसने का काम करा जा रहा है। ये डरने वाले नहीं है, हमारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हम सब, हम किसानों के हैं, हमारे पास में कुछ नहीं है, लेकिन हम एक कुर्बानी चाहते हैं कि टिकैत परिवारों का किसान आंदोलन में या देश में पुलिस में थे तो वहां नहीं हुई, लेकिन हम भी आंदोलन में एक कुर्बानी चाहते हैं कि ये देश बचेगा नहीं तो ये देश बचने वाला नहीं है। आप तैयारी करो, वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, मुकदमे नहीं जब तक इस सरकार का इलाज नहीं होगा। गन्ना भुगतान ना हो, वहां पर भी कहा है इस शुगर फैक्ट्री को जो आदमी गन्ना देगा वो गद्दार कहा जाएगा। गन्ना जिस दिन शुगर फैक्ट्री चालू हो जाए गन्ना डीएम के वहां पर लेकर आना। 23 तारीख के बाद में 27 तारीख को शुगर फैक्ट्रियां चालू होगी, गन्ना पुराना शुगर मिल के किसान गन्ना लेकर डीएम के वहां पाए। यह आंदोलन चलेगा, लंबा चलेगा। यहां से ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई, बिजली ही इस आंदोलन का इस सरकार का इलाज करेगी। अगर आपको कोई दिक्कत होगी, डर है, तो आप बता देना, हरियाणा से हम मदद लेंगे, हरियाणा को हम कहेंगे, वो आपकी मदद कर देगा। डर वाले आदमी वहां पर नहीं चाहिए। आप कहोगे रतनवान जी है, जवाब दे देना, अगर आपको डर लगता होगा नहीं आएगा तो हरियाणा खड़ा है, हरियाणा हमारा साथ देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंदोलन शुरू होगा और जारी रहेगा, घर वापसी नहीं। नरेश टिकैत जी से हम कहते हैं कि शुरुआत होगी तो आपको घर वापसी नहीं आना, आपको या तो जेल जाओ, टिकैत साहब की तरह 350 बार जेल गए, आप जेल जाओ या इन किसानों का समाधान करो, किसी अधिकारी से मिलने की जरूरत नहीं है। अधिकारी को आप कहोगे अधिकारी यहीं आएगा। मुंडवर में एक घोषणा हुई है, इसका हम सब लोग पालन करेंगे, अपने ट्रैक्टर लेके, बिस्तरे लेके, अपना खाने पीने का राशन लेके आप तैयारी के साथ मान लो, एक संघर्ष जरूर होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।